हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश संग्रह पे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.10 की एलिमेंट की बुक से, और इसमें सबसे पहले जो हम फर्स्ट दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की ही बात करेंगे आज के लेक्चर में, और जो कि किस फॉर्मेट के क्वेश्चन होंगे, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन होंगे। यानी आपको क्वेश्चन अगर इस टाइप से मिलते हैं तो मुझे उनको कैसे सॉल्व करना है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों क्वेश्चन में क्या कॉमन है, जी न्यूमरेटर हमेशा 1 है, डिनोमिनेटर में a प्लस बी कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ साइन और कॉस दोनों आ गए। ए बी सी एज यूजुअल मेरे क्या है जी, कोई भी रियल नंबर्स मिल जाएगा, जैसे रूट 2 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया, -3/2 मिल गया, कुछ भी मिल सकते हैं, एनी रियल नंबर, ए बी सी भी एनी रियल नंबर। यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस की बजाय साइन है, और यहाँ साइन और कॉस दोनों है मेरे पास, दैट्स इट। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं ये हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी ये ना तो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में, ना ही हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में है। ये एक्सरसाइज हमें गिवन है सिर्फ बुक के अंदर। तो पहली चीज़ तो जो सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जो बच्चे एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन बच्चों को आईआईटी जेई मेंस या एडवांस की तैयारी करनी है, उन बच्चों को ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है जी। सो और जिन बच्चों को नॉलेज चाहिए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, मुझे आने चाहिए, तो दैट्स बेटर, बट सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है जी। होप शो आपको पहले से पता भी है, बट मैं थोड़ा सा रिविज़न करवा देता हूँ कि कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मुझे पहले से अगर पता होंगे तो मुझे इन क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी। द फर्स्ट वन इज, अगर आपको याद हो, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, एंड दैट इज़ योर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चों का होगा जी कॉस 2 थीटा के तो और भी फॉर्मूले होते हैं, मुझे इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, दैट्स इट, इसलिए मैंने ये बताया। द सेकेंड वन इज साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हमें पता होगा, तो इसकी भी आज हमें जरूरत पड़ने वाली है। एंड द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज योर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये तो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है जी, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो हमें इन सभी फॉर्मूलोज के बारे में, यानी ये तीन फॉर्मूले जो हैं इनके बारे में पहली चीज़ तो पता होना चाहिए। अब इनको यूज कैसे करें, जैसे हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है तो एज यूजुअल मैं एक बार वैसे बता देता हूँ, अदरवाइज कुछ भी मिल जाए डजेंट मैटर। तो ये चीज़ें हमने पहले ही पढ़ी हुई ना कि 2 थीटा के बजाय आप कुछ भी दे दो। मान लो मैंने यहाँ पे कॉस एक्स लिख दिया सिर्फ, यानी 2 थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया x से, सो दिस फॉर्मूला विल बी, ये फॉर्मूला सेम क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 2 थीटा था, मैंने 2 से डिवाइड किया थीटा, यानी उसका आधा आ गया, हाफ एंगल फॉर्मूले बन रहे हैं ना। सो दिस बिकम योर कॉस स्क्वायर x का आधा x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। सेकेंड वाले को अगर मैं बोलूँ भी साइन x के लिए क्या होगा जी, तो ये सिंपल हो जाएगा जी 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। एंड द लास्ट वन इज योर साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होल इक्वल टू 1, यस और नो जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं जो हम सीख चुके हैं पहले ही, ठीक है जी। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एंड ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस वहाँ पे हम थीटा थीटा यूज करते थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि ये थीटा हमेशा सेम रहना चाहिए, x बाई 2 x बाई 2 है, यहाँ y बाई 2 कर लो, 60 डिग्री कर लो, 30 डिग्री कर लो, कुछ भी कर लो, बट ये दोनों हमेशा सेम रहने चाहिए, दैट्स इट, वो इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये चीज़ें मुझे पहले से पता है जी। अब एक चीज़ और मुझे पता होनी चाहिए, वो होता है जी इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। हमने किए थे कुछ फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो, एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज 9.4 में हमने यही किया था, उनका डेरिवेशन भी मैंने कराया था, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे, साइड में मैं एक बार डाल दूंगा, थोड़ा सा नज़र मारोगे तो याद आ जाएगा कि हमने वो चीज़ें कहाँ पढ़ी थी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कि उसके डेरिवेशन का और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस मुझे आने चाहिए क्योंकि उनका यूज भी यहाँ पे होने वाला है। इसका मतलब क्या है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, पीछे वाली चीज़ें मुझे पहले से आनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको नहीं आती है तो इट मीन्स क्या है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, आपको पहले वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। तो वो इंपॉर्टेंट है, तो पहले वो स्ट्रॉन्ग होगी तभी आपको ये आएगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ें करने का तभी फ़ायदा है जब आपकी
बेसिक चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरे एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर्ड हों, दैट्स इट। सो स्टार्ट करते हैं। तो दो चीज़ें मैंने बता दी, ये फॉर्मूले आपको बताना चाहिए, एंड दैट्स सेकंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल इंटीग्रल जो हमने किए थे, सम स्पेशल इंटीग्रल जो किए थे वो वाले जो फॉर्मूले हैं वो भी मुझे पता होने चाहिए और ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। एंड देन हम मूव करते हैं कि भाई इन क्वेश्चंस को करना कैसे। तो देखो तीन फॉर्मेट आपके दिख रहे होंगे लेकिन इनको करने का सिंगल मेथड है, एक ही प्रोसीजर है, अगर मैं उसको फॉलो करूंगा तो तीनों क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप क्या है इन क्वेश्चंस को करने में, हम पहले उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है जी, मैं इनसे समझाने जाऊंगा, ठीक है, उससे बेटर मैं क्वेश्चन से डायरेक्टली समझा देता हूं। प्रोसीजर ही समझाना है आपको, कुछ और चीज़ें प्रूफ नहीं करनी है मुझे, मुझे सिर्फ प्रोसीजर बताना है कि इन क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर क्या है। सो मैं लेता हूं एक्सरसाइज 9.10 क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट देखिए जी क्या होगा मेरा, ठीक है जी। ये मुझे गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइड बाय 2+3 cos x। तो दिख रहा है मुझे किस टाइप का क्वेश्चन है जी, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब चाहे ये इस टाइप का हो चाहे इस टाइप का हो, डजेंट मैटर, ठीक है, प्रोसीजर सेम रहेगा। बट एट द एंड तीनों में क्या डिफरेंस आएगा, एट द एंड ये डिफरेंस आएगा जी कि जो मेरे सम स्पेशल इंटीग्रल वाले जो फॉर्मूले थे वो जो हैं वो अलग अलग यूज होंगे, बस ये डिफरेंस रहेगा। तो अगर आपको वो चैप्टर आता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे करना क्या है उसकी बात करते हैं पहले। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, देखो यहाँ पे दिख रहा है cos x, तो मैंने देखो यहाँ पे तीन फॉर्मूले बताए ना आपको कि cos 2 थीटा का, sin 2 थीटा का। अब ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, इसको क्या बोलूँ, इसको तो मैंने बोल दिया cos 2 थीटा का जी, इसको मैंने बोल दिया sin 2 थीटा का, ये भी बात ठीक है। ये किसका है, ये मेरा फॉर्मूला है 1 का, किसका फॉर्मूला है जी 1 का, ठीक है जी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 10th वाले बच्चे भी बता देंगे, ठीक है जी। अब दो साल और एक्स्ट्रा पढ़ने का मतलब क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए 1 इक्वल टू साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है जी। अब ये बोलोगे ये तो हमें पता है लेकिन इसका यूज कहाँ करना है, दैट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस 1 की जगह ये कब लिखना है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आज हम यहाँ सीखेंगे। द फर्स्ट थिंग देखो आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को मैं नीचे लिखता हूँ एज इट इज, ऊपर तो कुछ नहीं करना एज इट इज, ठीक है जी। अब आपको एक कांस्टेंट टर्म दिखेगी, जैसे 2 है, क्या दिख रहा है आपको जी, एक कांस्टेंट दिखेगा, कुछ भी 2, 3, 5, 7 रूट 5 कुछ भी दिखे डजेंट मैटर। क्या इस 2 को मैं 2 × 1 लिख सकता हूँ जी, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 1 2 ही होता है। और इस 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब आपका सवाल ये हो सकता है जी 1 की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिख रहे, ठीक है। तो उसका आंसर ये होगा, मेरे पास यहाँ पे कॉस एक्स है और मैंने ये फॉर्मूला इसीलिए आपको बताया था कि नेक्स्ट में मैं cos x की जगह ये यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलता है दिस एंगल विल बी x बाय 2, यानी सिंपल सा ये समझ लो कि जो ये एंगल हो उसका आधा मुझे यहाँ करना है। तो इस 2 को मैंने एज रीज रखा और इस 1 की जगह, सॉरी इस 1 की जगह मैं ये लिखने वाला हूँ। तो लिख दीजिए इसको, दैट सिंपली बिकम साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। चीज़ें क्लियर, आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इन क्वेश्चंस को करने का प्रोसीजर है, ठीक है जी। तो आपको प्रोसीजर सीखना है कि कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं। तो फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया, 2 के साथ कुछ नहीं था, जो कांस्टेंट था उसके साथ मैंने ये लिख दिया, और इसका मतलब क्या होता जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 दैट इज 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 रहेगा, ये 1 ही होगा और 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है जी, हो गया काम। अब प्लस 3 × cos x, तो cos x के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, लिख दीजिए cos square x by 2 माइनस sin square x by 2। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं, किसी को कोई डाउट हो तो बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप, कोई भी क्वेश्चन हो ऊपर वाले में से, सबसे पहला काम क्या करना है जी, जो भी कांस्टेंट नंबर दिखे, जो भी कांस्टेंट नंबर दिखे उसके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दो। अब थीटा क्या होगा वो डिपेंड करेगा ये वाला फॉर्मूला क्या लगाए, या फिर इस कांस्टेंट को भूल के पहले कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा लेना। तो कॉस एक्स यानी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है, जो भी एंगल हो उसका हाफ करेंगे हम। तो कॉस एक्स के लिए बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में बताया क्योंकि क्वेश्चन मेरे इसी फॉर्मेट में मुझे गिवन है, ठीक है जी। मान लो यहाँ 2x होता तो दिस बिकम योर x, तो अब मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करता, दैट्स इट। तो जो एंगल यहाँ है वही एंगल मुझे यहाँ लाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे चीज़ें सिंपल करनी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। द फर्स्ट थिंग,
तो पहली चीज समझ में आ गई, सबसे पहला काम क्या करना है, कॉन्स्टेंट के साथ ये फंक्शन लिखोगे, कॉस एक्स या साइन एक्स जो भी मिले उसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देना है मुझे, मैंने लगा दिया जी, चीज़ें क्लियर, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। अब इसको बस मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट मतलब जस्ट सिंप्लीफाई करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा जी, टू अंदर ले जाऊँ, सो ऊपर तो मेरा डी एक्स एजरीज रहेगा, होल डिवाइड बाई टू अंदर जाएगा, दिस बिकम योर टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, थ्री अंदर जाएगा दिस बिकम योर प्लस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू एंड माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है जी, ये जो सिंपल मैनिपुलेशन किया इसको स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने मैनिपुलेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज एड या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो सेम टर्म्स दिख रही है, तो मुझे दिख रहा है जी ये और ये टर्म, देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू साथ में है थ्री एंड टू, तो थ्री प्लस टू दैट बिकम फाइव, सो नीचे लिखो ऊपर, आई थिंक ये फॉर्मूले हटा सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आते होंगे, अब इनका काम हो चुका है ख़त्म और फॉर्मूले आप पहले से ही आने चाहिए। सो ये भी एक बार हटा देता हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर वन में सिर्फ इन दो क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ, थर्ड भी सेम प्रोसीजर सेम है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मूव करते आगे, तो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे हो जाएगा मेरे पास फाइव कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू एंड प्लस टू एंड माइनस थ्री, यू गेट माइनस का वन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो वन लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, ऊपर मेरा डी एक्स एज इट इज या डी एक्स यहाँ लिख दो यहाँ वन लिख दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, ठीक है जी, तो सबसे पहले काम क्या किया मैंने जी, कॉन्स्टेंट के साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया, कॉस एक्स का कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर उसको मैनिपुलेट कर लिया, मैं पहुँच गया यहाँ पे, यहाँ पहुँचने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू इज डिवाइडिंग, क्या कर रहा हूँ जी मैं, डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करना है जी, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, मुझे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, क्या कर देना है जी, डिवाइड कर देना है, कर दीजिए, तो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो जाएगा जी कुछ नहीं मतलब वन है, तो वन को डिवाइड किया कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या जी, नीचे ये है फाइव कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, तो इसको डिवाइड करोगे आप कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से, माइनस दिस बिकम योर साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और इसको भी डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से, साथ में मेरा डी एक्स मैंने यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप समझ में आया, सेकंड स्टेप कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर दो डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप देखिए, बस इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं जी, तो वन डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू जी होता है मेरा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू कैंसिल आउट, क्या बचा जी, सिर्फ फाइव बचा जी, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, दिस बिकम योर टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय टू, क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे तो कुछ बचा भी नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, नीचे टेंजेंट दिख रहा है ऊपर उसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू दिख रहा है, बन गई बात, तो अब मुझे किससे करना पड़ेगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, किससे करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो क्या करोगे, सिंपल है जी, पुट कर दीजिए आप टेंजेंट एक्स बाय टू को टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, टेंजेंट एक्स बाय टू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू, ये तो हो गया टेंजेंट का, अब एक्स बाय टू का करोगे तो हाफ आ जाएगा आगे, साथ में लगेगा डी एक्स इज इक्वल टू टी का करोगे तो डी टी, मुझे चाहिए सिर्फ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स, तो मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ, होप सो आपको ये दिख रहा होगा, सो यहाँ लिख दें, सो अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो दिस बिकम योर सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स इज इक्वल टू, टू उधर जाएगा दिस बिकम योर टू डी टी, सो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, तो जो जो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड देन वी हैव टू फाइंड द आंसर, अरे ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका है, हटा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही थे मेरे, सिंपल है, और इसमें हमने कुछ खास किया नहीं, एंड दिस इज जस्ट मैंने फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट किए थे, तो चलो एक बार करके देख लेते हैं एंड देन हम आगे करेंगे, सो सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस पूरे को मिलाकर मैं लिखता हूँ टू डी टी, तो मैंने इसको लिख दिया टू डी टी होल डिवाइड बाय, नीचे मेरे पास क्या जी फाइव है, तो मैंने फाइव को एज इट इज लिखा, माइनस टेंजेंट एक्स बाय टू को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था जी डी टी, तो दिस बिकेम योर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर, किसी को डाउट हो तो बताएं,
अब बात किसकी आ गई, अब मेरे पास फिर से वही फॉर्मूलों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। किस कौन से वाले, सम स्पेशल इंटीग्रल, ठीक है, कुछ स्पेशल फॉर्मूले, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी जिनका हमने इंटीग्रल सीखा था। तो ये कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको, कौन सी फॉर्म मेरी बन रही है, बस वो मुझे पता होना चाहिए। देखो ये टू कॉन्स्टेंट है, मैंने इसको निकाल लिया बाहर। तो जितने भी फॉर्मूले आप देखोगे उन सब में क्या चीज़ है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए, यानी दोनों टर्म्स का स्क्वायर मिलता है। तो सबसे पहले मैंने काम किया, इस रूट फाइव को मैंने, सॉरी फाइव को मैंने रूट फाइव का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है जी। अब इससे अगर आपको याद आ रहा हो तो मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी वन डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में मेरा है जी डी एक्स। ये एक फॉर्म थी मेरे पास जिसका इंटीग्रल मुझे आना चाहिए। क्या था मेरा, दैट इज वन बाय टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, ठीक है जी। इसलिए मैंने बोला ये फॉर्मूले भी मुझे आने चाहिए। सो इसको देख के मुझे इस फॉर्मूले की याद आती है जी, ये तो ऐसा ही है बिल्कुल, सिर्फ एक्स की बजाय टी है, ए की बजाय रूट फाइव है। तो यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड, ये टू बाहर है मेरा एज इट इज रहेगा, इन टू वन बाय टू है, तो वन बाय टू ए इज योर रूट फाइव है, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, ए क्या है जी रूट फाइव और एक्स क्या है जी टी, तो प्लस टी डिवाइडेड बाय ए माइनस टी, रूट फाइव माइनस टी मॉड कंप्लीट एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी। इस टू से टू कैंसिल आउट कर दो, अब जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने कर दो, वन बाय रूट फाइव एज इट इज, लॉग ऑफ रूट फाइव मेरा एज इट इज प्लस टी, टी की मैंने क्या माना था जी, जी टी को मैंने बोला था टेंजेंट एक्स बाय टू, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू टेंजेंट एक्स बाय टू होल डिवाइड बाय रूट फाइव माइनस टेंजेंट एक्स बाय टू और पूरा मॉड कंप्लीट एन प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। होप से समझ में आ रहा होगा, दैट्स इट। तो मतलब पीछे की चीज़ें अगर हमने अच्छे से पढ़ी है तो यहाँ पे सिर्फ मुझे प्रोसीजर पता होना चाहिए और प्रोसीजर में दो ही मेन स्टेप होते हैं। द फर्स्ट थिंग, अब ये तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है जी, यानी कॉस टू थीटा साइन टू थीटा दो फॉर्मूले ये आने चाहिए और तीसरा मुझे आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। जहाँ वन दिख जाए वहाँ पे ये पुट कर दो, जहाँ कॉस एक्स दिखे वहाँ ये रख दो, जहाँ साइन एक्स दिखे वहाँ टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू रख दो, दैट्स इट। उसके बाद मैनिपुलेट करना है और उसको कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से डिवाइड कर देना है। आप जो रिजल्ट मिलेगा वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा, इस टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इस टाइप की जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है मेरी पाँच छः जो हैं उस फॉर्म में मिलेगा। बस उसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, यू गेट योर आंसर। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, तो इस पे बेस्ड आप सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से किया, आपको समझ में आ गई है चीज़ें, तो इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन नंबर वन एंड टू एक्सरसाइज 9.10 के क्वेश्चन नंबर वन और टू कंप्लीट खुद से कर सकते हो, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर वन हो गया, टू एज इट इज, यदि टू में कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी, एक कॉफिशेंट और कम कर दिया उसने, तो टू सेकंड पार्ट है जो, सॉरी क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया, सेकंड पार्ट सेम एज इट इज ऐसा ही है, आप खुद से करोगे। थर्ड और फोर्थ भी सेम है, उनमें से मैं कोई एक करवाता हूँ, तो मैं आपको करवा देता हूँ जी। फोर्थ पार्ट में नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो फोर्थ वाला आप करवा देता हूँ, ठीक है, कुछ बच्चों को डर लगता है नेगेटिव से। तो थर्ड पार्ट आप खुद से करोगे, मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट आप करोगे खुद से। मैं कौन कौन से करवा रहा हूँ जी, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया, सेकंड एज इट इज़ है, कुछ चेंज नहीं है, थर्ड आप खुद से करोगे और फोर्थ मैं करवा दे रहा हूँ। तो फोर्थ हमारा टाइप टू वाला है, जहाँ पे नीचे साइन मिलेगा मुझे, उस टाइप का है। सो देखिए फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर वन का क्या बोलता है जी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होल डिवाइड बाय फाइव माइनस फोर साइन एक्स, ये मुझे गिवन है, ठीक है जी। मुझे बस वही चीज़ें याद रखनी है, कुछ नया नहीं करना है, वही चीज़ें याद रखो। कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है जी, फाइव कॉन्स्टेंट है तो फाइव को लिखता हूँ फाइव इंटू वन, वन की जगह क्या लिखना है जी, बस वही काम यहाँ करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर डी एक्स एज इट इज होल डिवाइड बाय फाइव इंटू वन की जगह क्या लिखोगे जी, यहाँ एक्स देखा एक्स बाय टू यानी साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जीरो एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला काम ये किया। माइनस का फोर, अब यहाँ पे क्या जी साइन एक्स, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला आता है ना जी, लगा दीजिए, तो फोर इंटू टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, चीज़ें क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर, ठीक है जी। तो जो मेरे पास फॉर्मूले थे मैंने फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, फर्स्ट स्टेप यही होता है मेरा। फर्स्ट स्टेप के बाद नेक्स्ट मैनिपुलेट करना है, तो फाइव को अंदर लेके जाओ, यहीं करवा दूँ, अब तो चीज़ें क्लियर हैं, तो फाइव इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फाइव इससे भी मल्टीप्लाई होगा,
फोर अंदर जाएगा तो फोर टू जा, ये हो जाएगा जी एट। तो ये मैनिपुलेट करके मैं पहुंच गया यहाँ पे। क्या कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं? कुछ नहीं कर सकता जी। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने लगाया, पहला स्टेप लगाने के बाद मैं कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँच गया, और यहाँ से आगे मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इट्स ओके, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। सेकेंड स्टेप क्या था जी? जी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से कर दीजिए डिवाइड। कर दें जी, बिल्कुल कर दीजिए। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ उसको सिंपली, वन डिवाइड बाय दिस बिकम योर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, डी एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया। तो डिनोमिनेटर में तीन टर्म्स हैं तो तीनों को अलग अलग करेंगे, दिस डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है भाई, मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, दैट्स इट, एक्स बाई टू। अदरवाइज मुझे सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी। सो चीज़ क्लियर, फर्स्ट स्टेप हो चुका है, सेकंड स्टेप भी हो चुका है जी, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से मैंने डिवाइड कर दिया। सो बस मैनिपुलेट कर लीजिए और आप पहुंच जाएंगे रिजल्ट पे। तो वन डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, दिस बिकम योर सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू, एज यूजुअल जैसा पहले क्वेश्चन में बना था यहाँ पे बनेगा। साइन बाय कॉस, दैट इज योर टेंजेंट, तो दिस बिकम फाइव टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय टू। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा सिर्फ फाइव, तो प्लस का फाइव। माइनस पावर से कॉस एक्स बाय टू कैंसिल आउट, तो साइन बाय कॉस इज टेंजेंट, तो माइनस एट टेंजेंट एक्स बाय टू, साथ में लगा दीजिए डी एक्स। ठीक है जी, अब देखो प्लस का फाइव ये कांस्टेंट है, इसको मैं आगे लिख दूँ, रीअरेंज करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो रीअरेंज करके लिखोगे तो प्लस का फाइव बाद में चला जाएगा और ये आ जाएगा आगे, तो माइनस का एट टेंजेंट एक्स बाय टू एंड प्लस का फाइव, मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेम ही चीज़ें। सो इतना करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप सेम है जी, नीचे टेंजेंट है ऊपर सेक है, नीचे टेंजेंट है ऊपर सेक स्क्वायर है, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव ऊपर है, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या करोगे? पुट टेंजेंट एक्स बाय टू इज इक्वल टू, पुट टेंजेंट एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट हेयर सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू, एंड एक्स बाय टू का करोगे तो वन बाय टू, साथ में लगेगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो टू एक्स्ट्रा है, टू को ले गया मैं इधर, जो जो वैल्यूज मिली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस। सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, इस पूरे को लिख सकता हूँ टू डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ टू मैंने बाहर निकाला, डी टी को मैंने लिख दिया यहाँ, होल डिवाइड बाय। नीचे क्या है जी मेरे पास? फाइव टेंजेंट एक्स बाई टू को मैंने बोला टू, तो दिस बिकम टी स्क्वायर, तो फाइव टी स्क्वायर इज देयर, माइनस एट और टेंजेंट एक्स बाई टू को फिर से मैंने बोला टी, एंड द लास्ट इज प्लस फाइव इज देयर। सो अब ये मेरा क्वेश्चन बचाइए, यानी ऊपर कांस्टेंट और नीचे एक मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो जो मैंने बताया आपको, जो एक्सरसाइज बताई, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन या सम स्पेशल इंटीग्रल्स जो थे मेरे, उनके लिए हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो नीचे मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उनको कैसे सॉल्व करते थे? सबसे पहला काम मेरा था कि जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसमें कन्वर्ट करते थे। ठीक है जी, किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। रूट नहीं है तो तीन स्टैंडर्ड फॉर्म बचती है अगर रूट नहीं है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में, एंड दैट इज योर, कौन कौन सी थी मेरी तीन, अगर आपको याद हो, इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर लास्ट वन थी वन डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन तीनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, ये प्लस माइनस दो ये होगी और एक ये होगी, तो इन तीनों में से कोई एक फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो एज यूजुअल जैसे मैंने बोला उस एक्सरसाइज में हमने इन्हीं पे डिस्कशन किया था, तो वो आपको क्वेश्चन आने चाहिए। तो होना तो ये चाहिए कि मैं यहीं छोड़ दूँगा और आपको बोलूँ आप खुद से करो, क्योंकि आपने वो एक्सरसाइज भी पहले पढ़ी होगी, देन यहाँ पहुँचे हैं तो आपको खुद से करना चाहिए, बट फिर भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो पूरा डिटेलिंग नहीं करूँगा मैं, जस्ट चीज़ें बताता चलूँगा डी टी। अब देखो कंप्लीट स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता था, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो भी होता था, यानी जिसके ऊपर पावर टू है उसका कोफिशिएंट बनाते थे वन, तो फाइव यहाँ से कॉमन लोगे तो फाइव आ गया बाहर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस एट टी, तो दिस बिकम माइनस एट बाय फाइव टी, और यहाँ से फाइव बाहर आएगा तो बचेगा प्लस का वन। क्या चीज़ें क्लियर? मैंने नीचे से फाइव को कॉमन ले लिया ताकि मैं टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना सकूँ, वन बना सकूँ, मैंने बना दिया। पहला काम कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यही था। द सेकेंड स्टेप इज, जो लीनियर टर्म है यानी जिसकी पावर वन है उसका कोफिशिएंट देखो, साइन को भूल जाओ, साइन को भूला, मैंने देखा कोफिशिएंट है एट बाई फाइव, उसका हाफ करो डिवाइड बाई वन बाई टू, तो दिस बिकम योर फोर बाय फाइव। मैंने क्या देखा, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट देखा, उसका हाफ किया, हाफ करने के बाद जो टर्म मिली उसी का स्क्वायर मुझे ऐड करना है, उसी का स्क्वायर ऐड करना है और उसी का स्क्वायर क्या कर देना जी, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये भी स्टेप हमने सीखा हुआ है जी, बिल्कुल सीखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनता है, नेक्स्ट अपने आप बन जाता है क्या,
इसके आगे देखो साइन क्या माइनस का, तो दिस बिकम योर ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। कहां से मान रहा है चेक करके देखिए, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सो दिस सिंपली बिकम टू बाई फाइव, बाहर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर डी टी। सो इन तीनों को मिला के क्या बन जाएगा मेरा, टी माइनस फोर बाई फाइव का होल स्क्वायर। खोल के देख लो, टी स्क्वायर इज देयर, फोर बाई फाइव स्क्वायर इज देयर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस बिकम योर टू ए बी। तो टू इंटू टी एंड फोर बाई फाइव, टू फोर जहाँ एट बाई फाइव टी, एंड साइन में आएगा माइनस का क्योंकि बीच में, माइनस टू ए बी बनता है मेरा। सो दैट्स वाई दिस इज लाइक दैट, गॉट इट। नाउ वी हैव वन एंड माइनस फोर बाई फाइव, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हो, वन माइनस फोर बाई फाइव मतलब सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव, एलसीएम क्या आएगा ट्वेंटी फाइव, तो क्या बचेगा नाइन बाई ट्वेंटी फाइव। और नाइन बाई ट्वेंटी फाइव को मैं लिखता हूँ जी, साइन किसका है जी, सॉरी साइन तो प्लस का आएगा, तो प्लस दिस बिकम योर थ्री बाय फाइव का होल स्क्वायर। क्या ये चीज़ें क्लियर हैं जी, नाइन बाई ट्वेंटी फाइव को मैं थ्री बाई फाइव का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो मैंने लिख दिया, चीज़ें यहाँ तक क्लियर। सो ये था मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो टेंथ क्लास में सीखते हैं, अब इस सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, तो मे बी कुछ बच्चों ने जो लास्ट ईयर में थे, ठीक है, या उससे लास्ट ईयर थे, उनको ना पता हो, उनको छुड़वा दिया गया हो, उनको पढ़ाया नहीं गया हो, सो मे बी। सो ये मुझे आना चाहिए, ठीक है जी, वहाँ नहीं सीखा तो यहाँ सीख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, कौन सी बनी, ठीक है, थर्ड वन, जहाँ प्लस साइन होता है। और ये क्या फॉर्मूला होता है इसका, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन हटा के बता दूँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय, अगर मुझे मिलता ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल दो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल दो, देखो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसका क्या होता था, वन बाय ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, सेम है यहाँ पे। एक्स की बजाय क्या है, टी माइनस फोर बाय फाइव, क्योंकि टी के विद रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, ठीक है जी। तो दिस ये जो पूरा है ये मेरा एक्स का काम करेगा एक तरह से, तो ऐसा हमने सीखा हुआ है कि एक्स का काम कर रहा है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, ये टू बाई फाइव तो बाहर रहेगा इन टू वन बाय ए क्या है जी, जो प्लस में वाले टर्म है, यानी थ्री बाई फाइव जीरो, तो वन डिवाइड बाय ए मीन्स थ्री बाई फाइव, वन बाय ए हो गया, इन टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स क्या है जी, टी माइनस फोर बाई फाइव, टी माइनस फोर बाई फाइव होल डिवाइडेड बाय ए, ए मीन्स थ्री बाई फाइव अगेन एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू गेट योर आंसर, थ्री बाई फाइव जो ऊपर जाएगा दिस बिकम योर फाइव बाई थ्री, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट हेयर टू बाई थ्री द फर्स्ट थिंग, टेंजेंट इनवर्स बी एज इट इज रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, यहाँ क्या आएगा, फाइव एलसीएम जब लोगे तो दिस बिकम फाइव टी माइनस फोर, दिस बिकम फाइव टी माइनस फोर। अब डिवाइड बाई क्या है, थ्री बाई फाइव यहाँ है, तो इस फाइव से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई बचेगा थ्री एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। अब इस टी को मैंने क्या लिया था जी, इस टी को मैंने सब्स्टिट्यूट किया था टेंजेंट एक्स बाई टू, तो यहाँ पे सिर्फ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए टेंजेंट एक्स बाई टू, दैट्स इट, वही आपका आंसर है। सो दिस इज योर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दो टाइप थे, फर्स्ट में कॉस दिख रहा था, सेकंड में साइन दिख रहा था, और थर्ड में क्या होने वाला जी, दोनों दिखेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वन के चार पार्ट थे, दो मैंने करवा दिए, दो आप खुद से करेंगे, होप शो आपको चीज़ें क्लियर हैं, सेम प्रोसीजर सेम मेथड, ठीक है जी, और प्रीवियस क्लास की थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, दैट्स इट। सो अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर टू में, ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर टू से हम बात करेंगे जो थर्ड टाइप था मेरा उसकी, तो इसको हटाता हूँ मैं और क्वेश्चन नंबर टू में आता हूँ। तो बात करते हैं जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन था, जहाँ पे साइन और कॉस दोनों आपको दिखे, तो मैंने क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट लिया, ठीक है जी। यहाँ पे देखो साइन और कॉस एक्स के आगे कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब ये सबसे आसान क्वेश्चन यही है इस फॉर्मेट का, ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट भी करेंगे जहाँ पे यहाँ कॉन्स्टेंट मिलेंगे, बट इट्स ओके नो प्रॉब्लम, प्रोसीजर वही है सेम एज इट इज, तो यूज़ कीजिए, ऊपर डी एक्स में एज इट इज, वन की जगह क्या लिखना है जी, अब तो यहाँ सिर्फ ही वन है, टू थ्री कुछ नहीं है, तो कॉन्स्टेंट की जगह क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, चीज़ें क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर है। माइनस साइन एक्स की जगह साइन टू थीटा का फॉर्मूला, दैट बिकम योर टू साइन, अब यहाँ एक्स है तो यह हो जाएगा एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, एंड द लास्ट वन इज योर कॉस एक्स, कॉस एक्स की जगह हमने क्या बोला था जी, हमें लगाना है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। सो ये फॉर्मूले हमारे पास थे, हमने लगा दिए, यानी इसमें सारे फॉर्मूले यूज हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ कॉस टू एक्स, और देखो ये तो हर जगह यूज हो रहा है,
सबसे पहले वाले में ये यूज हुआ, सेकंड जो क्वेश्चन किया ये यूज हुआ, अब जितने फॉर्मूले हमने किए थे वो सारे यूज हो गए ट्रिग्नोमेट्री वाले, ठीक है जी। सो ये होने के बाद क्या करते हैं, सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होल डिवाइड में इसको और इसको मैं कर सकता हूँ एंड, दिस बिकम योर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, और ये क्या हो जाएगा जी माइनस टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। देखो प्रोसीजर सब में सेम है, सेम टाइप के क्वेश्चन है तीनों, इसीलिए साथ में करवाए गए हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे, हो गया जी। अब देखो यहाँ से और यहाँ से दोनों से मैं टू कॉमन ले सकता हूँ, तो वन बाय टू आ जाएगा मेरा बाहर, तो ये टू बाहर आ गया, ये भी टू बाहर आ गया, तो पहला स्टेप हो चुका है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं जी, जिन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से कर देते हैं डिवाइड, तो ये होगा न्यूमिनेटर, इसको कर दो डिनोमिनेटर, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया था आपको वैसे ही करना है भाई टोटली, अगर आप एग्जाम वगैरह में कर रहे हो तो डिटेलिंग में करना होता है कि आपको लिखना होता है कि मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ सब चीज़ें, ठीक है। तो दिस बिकम वन बाई हाफ एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस बिकम योर सीकेंस स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स, ऊपर तो समझ में आता है, नीचे देखिए क्या होगा, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट ओनली वन माइनस, इससे पावर कैंसिल आउट, तो साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाई कॉस एक्स बाय टू, दिस बिकम योर टेंजेंट एक्स बाय टू। सो अब ये देखो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया, नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है जी, लीनियर फंक्शन है और उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे क्या है जी एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। लीनियर फंक्शन कहने का मतलब जी पावर वन है, ठीक है जी, पावर क्या है वन है टेंजेंट की, और इसका एग्जैक्ट डिफरेंसेस ऊपर है, क्या एग्जैक्ट डिफरेंसेस ऊपर है जी, थोड़ी सी कमी किसकी, इस हाफ की कमी है, तो इस हाफ को अगर मैं अंदर ले जाऊँ, मान लो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए वन माइनस टेंजेंट एक्स बाय टू का डेरिवेटिव जो आप करोगे तो वन का जीरो माइनस टेंजेंट एक्स बाय टू का होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू, और इस एक्स बाय टू को लगा दो आगे, ये होगा मेरा एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो मेरे पास हाफ भी है, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू है, एक माइनस की कमी है, इस माइनस को यहाँ लगा दिया और इस माइनस को लगा दिया, ठीक है। मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ, अदरवाइज आप बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें चलो बता देता हूँ। एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव मेरे पास ऊपर हो तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। द सिंपली बिकम, ये माइनस बाहर रहेगा, लॉग ऑफ वन माइनस टेंजेंट एक्स बाय टू प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैस एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स अगर मुझे मिलता है, सो दैट्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। बस यही काम मैंने किया है, एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर बनाया मैंने, इसलिए मैंने हाफ को अंदर लेके आया, माइनस के साइन दोनों लगाए, माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस होता है, तो मेरा प्लस ही था तो इसलिए मैंने दो माइनस लगा दी, एक बाहर उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दिया, सो सेम रहा। इससे फायदा क्या होगा, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर बन गया और मेरी सेम जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यूज हो गया, दैट्स योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। अब इससे नहीं करना चाहते, सो करना चाहिए वैसे तो आपको, नहीं करना चाहते तो बाय सब्स्टिट्यूशन कर लो जी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। सब्स्टिट्यूशन से क्या करोगे, एज यूजुअल मैं बोलूंगा कि वन माइनस, अब सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो तो इस माइनस माइनस इस हाफ को बाहर ही रखो फिर, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। मैंने क्या किया, वन माइनस टेंजेंट एक्स बाय टू को टी सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस बिकम वन इज जीरो, तो माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स इज इक्वल टू, अभी जो हाफ इसका आने वाला था ना एक्स बाय टू को, मैंने डायरेक्टली उधर लेकर टू डी टी, क्या चीज़ क्लियर। टेंजेंट का तो सीकेंट स्क्वायर हो गया एक्स बाय टू, एज इट इज एक्स बाय टू का करोगे तो वन बाय टू आएगा यहाँ, उस वन बाय टू को टू को मैं उधर ले गया, सब में यही कर रहे हैं, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ये बाहर है हाफ एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स, इसको लिखता हूँ, देखो इस माइनस को भी वहाँ ले जाऊँ तो माइनस टू डी टी होल डिवाइड बाय, नीचे मेरे पास है वन प्लस टेंजेंट एक्स बाय टू, उसको मैंने टी लिया तो दिस इज टी, माइनस बाहर आ जाएगा इस टू से, ये टू कैंसिल आउट, ये टू बाहर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास समथिंग लाइक दैट। वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये माइनस एच इज लॉग ऑफ टी एन प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, टी क्या है जी, यही तो है जी मेरा टी, तो यही मेरा आंसर आएगा, ठीक है जी, सिंपल है, आसान है जी, बहुत आसान है। तो इसी फॉर्मेट का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है जी, और ये तो बहुत आसान था वैसे, इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, टोटल तीन पार्ट है तो एक आप आई थिंक कर सकते हो खुद से। सो सेकेंड का मैं करवा देता हूँ आपको, सेकेंड पार्ट करवा देता हूँ, थोड़े नंबर बड़े लिख रहे हैं तो मे बी आपको प्रॉब्लम, तो उसमें भी नहीं होगी, नो प्रॉब्लम, बट फिर भी चलो। तो सेकेंड का मैं करवाता हूँ, सेकेंड वाला पार्ट, एंड दैट इज़ योर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होल डिवाइड बाय सेवन प्लस फाइव कॉस एक्स, यस प्लस टू साइन एक्स,
सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल वही लगाना है मुझे, डी एक्स, अब तो फैमिलियर हो चुके हूँ, सेवन, तो सेवन इंटू सेवन इंटू वन, वन होता है जी मेरा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट फाइव एज इट इज कॉस एक्स, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एंड द लास्ट वन इज योर साइन एक्स, तो प्लस टू इंटू टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो तीनों फॉर्मूले लगने हैं वो मैंने लगा दिए हैं, बस अब इसको करना है मैनिपुलेट। सो अगर मैं सेवन को अंदर लेके जाऊँ तो सेवन इससे मल्टीप्लाई होगा, सेवन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फाइव अंदर लेके जाओ फाइव इससे मल्टीप्लाई होगा और फाइव इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एंड टू टू जाइए हो जाएगा मेरा फोर, एड सब्ट्रैक्ट हो सकता है कर दीजिए, एंड देन आगे मूव करते हैं, डी एक्स होल डिवाइड बाय, देखिए अब देखो साइन स्क्वायर वाली एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, तो सेवन माइनस फाइव दैट यू गेट टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है जी। पहले मैं इसको ऐड नहीं कर रहा, मैं कांस्टेंट वाले टर्म, सॉरी जो टर्म है जिसमें साइन कॉस इन्वॉल्व है उसको लिख देता हूँ पहले, ऐसा क्यों किया वो नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। और बाकी क्या बचा, सेवन कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस फाइव, तो दिस बिकम योर प्लस ट्वेल्व कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। सो ये था मेरा फर्स्ट स्टेप, मैंने क्या किया जी, वन की जगह ये लिखा, कॉस एक्स की जगह ये लिखा, साइन एक्स की जगह ये लिखा, ये फॉर्मूलेज हैं मुझे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैंने जस्ट इसको मैनिपुलेट किया, एंड उससे नेक्स्ट क्या होता है जी, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से, तो मैंने ऊपर भी उसी से किया, नीचे भी उसी से किया, ठीक है जी। तो डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, नाउ यू गेट हियर, ऊपर क्या मिलेगा, वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, दिस बिकम योर सेकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू, एज यूजुअल जो जैसे पहला मिल रहा है, होल डिवाइड बाय साइन बाय कॉस दैट इज टेंजेंट स्क्वायर है, तो टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय टू। नेक्स्ट अब इससे एक कैंसिल आउट, साइन बाय कॉस इज टेंजेंट, तो दिस बिकम योर प्लस फोर टेंजेंट एक्स बाय टू, एंड द लास्ट वन इज योर, इससे एक कैंसिल आउट, क्या बचा, प्लस का ट्वेल्व। अब समझ में आ गया होगा मैंने इसको लास्ट में क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ से मुझे एक कॉन्स्टेंट टर्म मिलने वाली है, ठीक है जी, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा ताकि मुझे बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट ना करना पड़े। दैट्स इट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर, यहाँ तक क्लियर है तो इक्वेशन लास्ट जैसा ही है, सिर्फ एक कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा है, तो क्या करोगे, टेंजेंट एक्स, अब देखो नीचे क्या बन रहा है, टेंजेंट पावर टू है यहाँ पे, तो मुझे सिर्फ टेंजेंट एक्स बाय टू को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, मैं करूँगा टेंजेंट एक्स बाय टू को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया मान लो मैंने, तो दिस बिकम योर सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, सॉरी टू डी टी, ये टू कौन सा है, ये एक्स बाय टू का जो डेरिवेटिव होगा हाफ, उसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है जी। सो आई थिंक बार बार डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको डी एक्स साथ में लिखता हूँ, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ क्या, टू डी टी, तो इसको लिख दीजिए एग्जैक्टली इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आ जाएगा टू डी टी, नीचे क्या आएगा जी, टेंजेंट एक्स बाय टू को मैंने टी बोला है, तो दिस बिकम टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय टू है, तो दिस बिकम टू टी स्क्वायर, दिस टेंजेंट एक्स बाय टू है, तो दिस सिंपली बिकम फोर टी, एंड द लास्ट वन इज प्लस ट्वेल्व एज, ऊपर से टू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, नीचे से टू को मैंने कॉमन ले लिया, नीचे से टू कॉमन लोगे तो ये टू गया, फोर से टू जाएगा तो बचेगा टू, और सिक्स ट्वेल्व से जाएगा तो बचेगा सिक्स, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास बचाइए। अब नीचे एक मेरे पास बहुत आसान सा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, जिसको भी सॉल्व करना है, कैसे करोगे, सबसे पहला काम ये होता है कि टी स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट वन बनाना होता है, वो ऑलरेडी बन चुका है, टी के आगे कोएफिशिएंट टू है, टू का हाफ करो, टू का हाफ होगा जी टू इंटू हाफ मतलब वन, वन का स्क्वायर ऐड कर दो और वन का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो प्लस वन का स्क्वायर मैंने ऐड किया और वन का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट किया, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर डी टी एज इट इज, नीचे नीचे देखिए आप टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस टी वन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो दिस बिकम योर टी प्लस वन का होल स्क्वायर, बाकी बचा प्लस का सिक्स माइनस का फाइव, दैट बिकम प्लस का फाइव, और प्लस फाइव को लिख सकता हूँ मैं रूट फाइव का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, कौन सी जो लास्ट क्वेश्चन में की थी, एज यूजल वही सेम फॉर्म बन गई मेरी, कौन सी वाली है भैया, अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू वन बाय ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, ठीक है जी। एक्स क्या है, टी प्लस वन, डी एक्स क्या है, डी टी, ए क्या है, रूट फाइव, तो यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड योर आंसर, सो दिस सिंपली बिकम वन बाय ए वन बाय रूट फाइव टेंजेंट इनवर्स, एक्स क्या है जी, टी प्लस वन डिवाइड बाय ए मीन्स रूट फाइव एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, अब टी की जगह क्या लिखना है, सिर्फ मुझे टी में जो सब्स्टिट्यूट किया था
tangent x by 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर. सो दैट्स योर फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे. सो ये मेरे तीन टाइप के क्वेश्चंस थे जो आई थिंक मुझे आने चाहिए और मैंने कर भी लिए, तो आई थिंक हो जाएंगे. ठीक है जी, क्लियर है? सो दैट्स इट. ठीक है, लास्ट पार्ट आप खुद से करके देख सकते हैं. आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पार्ट में. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. और डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए, अपने डाउट सॉल्व कीजिए. अभी के लिए थैंक यू.